आप सब ठीक हो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए जो न्यू वीडियो लेकर आई हूँ वो है मैट्रिक्स में वंडर कलर की ट्यूब की न्यू पैकेजिंग का। ये देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स में वंडर कलर की न्यू पैकेजिंग आई है, तो आज हम इसी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस न्यू पैकेजिंग को लेकर है। ओके, आई होप गाइज आपको ये पसंद आए वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना देर किए इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं हमारा आज का वीडियो देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये देखिए, ये मैट्रिक्स की वंडर कलर की ट्यूब है एंड ये इसकी न्यू पैकेजिंग आई है। ये न्यू पैकेजिंग के साथ आई है। अब पहले भी इसकी पैकेजिंग अच्छी थी, बट अब ये न्यू वे में आई है तो और भी अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की है, जैसे कि हमने आपके साथ 100 कलर का वीडियो शेयर किया था, जो 100 कलर की पैकेजिंग चेंज हुई थी उसके बारे में हमने आपको बताया था। सेम आज हम आपको वंडर कलर की ट्यूब के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आई है। ये इसका आउटर कवर है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया है। ओके, ये इसकी अंदर से इस तरीके की ट्यूब है। तो अगर आपको वंडर कलर लेना है मैट्रिक्स में तो आगे से आप इस पैकेजिंग के साथ लेंगे, क्योंकि ये न्यू पैकेजिंग में आई है तो आप ये वाली वंडर कलर की ट्यूब लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब इसकी पैकेजिंग के बात हो गई है, अब इस ट्यूब के बारे में बात करते हैं कि ये कितने ml की है, प्लस इसकी मिक्सिंग रेशियो क्या है, कुछ चेंज हुआ है या सेम एज इट इज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये ट्यूब कितने ml की है। तो फ्रेंड्स, ये सेम वही है, 90 ml की ट्यूब है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है। सेम ये 90 ml की पैकिंग है एंड इस पे ये प्रॉपर मार्किंग दी गई है। जितना भी आपको कलर लेना है, सपोज डेट आपको 15 ml लेना है या 30 ml, जो भी है आपको बैक साइड से इस तरीके से पहले इसको ओपन करना है, फिर बैक साइड से आपको निकालना है कलर। ओके, प्रॉपर मार्किंग की गई है। और जो 100 कलर की मिक्सिंग रेशियो है, फ्रेंड्स मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं एंड आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, मैंने बताई भी है प्रॉपर आपको मिक्सिंग रेशियो। तो क्या आप बताएंगे कि 100 कलर की मिक्सिंग रेशियो क्या होती है? ओके, तो 100 कलर की जो मिक्सिंग रेशियो है वो है 1:1, यानी कि आप जितना कलर लेंगे उसका उतना ही डेवलपर उसमें ऐड करेंगे। सपोज डेट आपने 15 ml कलर लिया है तो उसमें डेवलपर भी सेम 15 ml ही डलेगा, तो 1:1। ओके, तो ये जो कलर ट्यूब है ये आपकी ग्रे कवरेज के लिए है। कौन सी नंबर की ट्यूब है ये? ये है 4 नंबर की ट्यूब, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी है 4 नंबर की कलर ट्यूब, वंडर कलर की मैट्रिक्स में 4 नंबर कलर ट्यूब है। ओके, अगर आपको ग्रे कवरेज है या आपके वाइट हेयर हैं, आपके रूट टचअप के लिए ये बेस्ट ट्यूब है। एंड फ्रेंड्स, ये अमोनिया फ्री है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रूट टचअप करना है इससे, तो आप मैट्रिक्स का 20 वॉल्यूम डेवलपर लेंगे और उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, देन आप अपने हेयर्स में अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, अमोनिया फ्री है एंड आपके जो हेयर हैं, हेयर को ये मतलब कि आपके जो ग्रे हेयर हैं उनको ये 100% कवरेज देंगे। ये देखिए, इस पर प्रॉपर लिखा भी गया है, मेंशन किया गया है कि ये आपके जो ग्रे हेयर हैं उनको 100% कवरेज देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या मैंने कहीं सुना भी है, कईयों से सुना भी है कि मैम, हम जब भी कलर करते हैं, कलर करने के बाद हम उसी दिन शैम्पू नहीं करते, नेक्स्ट डे करते हैं। अगर हम सेम डे शैम्पू करेंगे तो हमारा जो कलर है वो फेड हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन से ब्रांड के साथ ऐसा कुछ इशू है,
बट ये मैट्रिक्स के साथ नहीं है ऐसा। आप अगर मैट्रिक्स का कलर यूज कर रहे हैं, चाहे आप सो कलर यूज करें चाहे वंडर कलर यूज करें, आप सेम डे जिस दिन आपने हेयर कलर अप्लाई किया है, आप सेम डे ही शैम्पू एंड कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको नेक्स्ट डे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कलर किया, इसकी जो टाइम पीरियड होता है कलर को अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद जो इसका टाइम होता है, वो जैसे नॉर्मल फाइन हेयर से लेके नॉर्मल हेयर का जो टाइम होता है वो होता है 30 to 35 minutes का। अगर आपके थोड़े से मोटे बाल हैं या हिना कोटेड हेयर हैं तो उसके लिए आप 40 minutes या 45 minutes तक का टाइम ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो हेयर है उनको शैम्पू कीजिए, मैट्रिक्स से ही, मैट्रिक्स का जो शैम्पू आता है उसी के साथ आप शैम्पू कीजिए, एंड उसके बाद आप कंडीशनर लगाएं और फिर आप मैट्रिक्स का ही सीरम लगाएं। इससे प्रॉपर आप, अगर आप ये प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके हेयर की कंडीशन एंड आपके हेयर कलर की कंडीशन बेस्ट रहेगी। कोई भी उसमें किसी भी टाइप का मतलब कि कहते हैं कि कलर फेड हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट मैट्रिक्स के साथ तो नहीं होता है। क्योंकि मैं मतलब ये लगा लीजिए 3 से 4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत से क्लाइंट्स के ऊपर भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि हमारा जो कलर है वो फेड हो गया है। तो इसका मतलब कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आपके हेयर को जो है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर आपके हेयर को जो है नरिश करता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप रूट टचअप करने को सोच रहे हैं या आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन में हैं कि हमें कौन से ब्रांड का कलर यूज़ करना चाहिए, तो आप बिना सोचे बिल्कुल ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एक बेस्ट कलर है, आप इसे कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, तो ये डार्क शेड के लिए है, बेसिकली डार्क शेड के लिए, क्योंकि ये 4 नंबर शेड है। एंड ये अगर किस कोई मतलब ये चाहता है कि मुझे अमोनिया फ्री कलर चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर अमोनिया फ्री है, तो आप इसके साथ अपना रूट टचअप या आपको अपने फुल लेंथ में भी डार्क शेड चाहिए तो आप ये कलर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोगों के, इसमें मैं भी आ गई, या मतलब सभी के साथ ऐसा है कि आगे से थोड़े थोड़े हेयर जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, मतलब पूरे हेयर नहीं, सिर्फ आगे से ही दो चार हेयर ग्रे हो जाते हैं। तो उनको कवरेज देने के लिए हम सो कलर या फिर वंडर कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं सो कलर यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपना वीडियो भी शेयर किया है, बट इस बार मैं अपने हेयर का जो रूट्स का कलर है वो थोड़ा चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, तो और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ उससे पहले, तो मैं बहुत ही जल्दी वो वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने हेयर में, अपने रूट्स में जो है डार्क शेड दूंगी, 4 नंबर दूंगी। जो है पहले मैं सो कलर कर रही थी, अब मैं वंडर कलर का जो 4 नंबर है ये अपने हेयर में रूट्स में अप्लाई करूंगी, अपना रूट टचअप अब की बार मैं वंडर कलर के साथ करने वाली हूँ, और इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।